नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग समय समय पर लगातार नए नए नियमों को भी लागू कर रहा है। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव का आयोजन निष्पक्ष और सही ढंग से किया जाएगा। इस दौरान ऐसे उम्मीदवारों पर खास नजर रखी जाएगी जो वोटरों को लुभाने के लिए गिफ्ट देने का काम करते हैं। साथ कई ऐसे उम्मीदवार भी देखने को मिलते हैं जो अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए सभी वोटरों के लिए गाड़ियों का इंतजाम करते हैं, ताकि आम नागरिक बूथ पर जाकर उनके पक्ष में ही वोट करके आए। हालांकि अब ऐसा करने वालों पर आयोग कार्रवाई करने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को वाहन से लाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे साफ तौर पर आयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानेगा, इसलिए सभी जिलों से अनुरोध है कि कोई भी काम करे लेकिन आचार संहिता के अनुरूप करे। साथ ही सभी उम्मीदवारों से भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए नियमों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। इसके साथ ही अगर किसी उम्मीदवार ने वोटरों को लुभाने के लिए रिश्वत देने का काम किया तो कार्रवाई तय मानी जाए। इस बाबत आयोग ने साफ कहा है कि उम्मीदवार ऐसे सभी कामों से परहेज करे जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत अपराध घोषित किए गए हों, जिसके तहत पंचायत चुनाव को लेकर कोई भी लुभावने पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकाला गया जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता नहीं दिया गया हो, किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करवाया गया हो, मिथ्या हो या जिसके सत्य होने पर विश्वास न हो, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो आप पर कार्रवाई होना तय है। इसके अलावा चुनाव से पहले शराब के इस्तेमाल की भी कई खबरें सामने आती रही है। चुनाव चाहे जो भी हो, हमेशा शराब के इस्तेमाल की खबरें सुनने में आई है। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग चुनाव जीतने के लिए अवैध शराब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयोग ने इस बाबत भी सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जिसके तहत आयोग ने साफ कहा है कि बिहार सरकार के अनुसार संपूर्ण बिहार में शराबबंदी लागू है। ऐसे में कोई भी उम्मीदवार की तरफ से ना तो गैर कानूनी शराब की खरीदारी की जाएगी और ना ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा। हर उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा। आपको बता दें, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग इसी कोशिश में है कि चुनाव का आयोजन निष्पक्ष तरीके से हो। यही कारण है कि इस बार का पंचायत चुनाव पहली बार ईवीएम की मदद से करवाया जा रहा है। साथ ही बोगस वोटिंग को रोकने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पंच और सरपंच दो ऐसे पद हैं जिसके लिए अभी भी बैलेट पेपर के इस्तेमाल से ही वोटिंग करवाई जाएगी। ऐसे में चुनाव का आयोजन सही तरीके से हो, यही चुनाव आयोग की कोशिश होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।